नाइन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या शुक्ला। बढ़ते हैं फटाफट खबरों की ओर। स्टेशन महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत झांसी मंडल के ललितपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन का मनाया गया स्थापना दिवस। इस मौके पर नुक्कड़ नाटक टीम, स्कूली बच्चों एवं सांस्कृतिक टीम द्वारा स्टेशन के इतिहास पर विभिन्न कार्यक्रम भी किए गए। झांसी में बुंदेलखंड क्रांति दल और सभासदों के बीच हुए झगड़े को लेकर सभासदों ने नवाबाद थाने का किया घेराव। साथ ही बुंदेलखंड क्रांति दल के नेता के खिलाफ मामला दर्ज करने की है मांग। वहीं आक्रोशित सभासदों को थानेदार ने समझा बुझाकर शांत कराया और मुकदमा दर्ज करने का दिया है आश्वासन। बढ़ती सड़क दुर्घटना को कम करने हेतु भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार वर्ष में 4 बार सड़क सुरक्षा व सप्ताह व पखवाड़ा आयोजित किया जाता है, जिसके चलते आज बवीना विकास खंड झांसी के ग्राम पूनावली कला में पूर्व माध्यमिक विद्यालय में चौपाल लगाकर ग्रामीणों को किया गया जागरूक। बांदा में खदान में अवैध खनन करने वाले पट्टे धारक पर लगा 20 लाख रुपए का जुर्माना। साथ ही लेखपाल कानून को और चौकी इंचार्ज को कर दिया गया निलंबित। पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बांदा पुलिस ने मोटरसाइकिल व मोबाइल फोन चोरी करने वाले 3 चोरों को किया गिरफ्तार। वहीं पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि अलग अलग जगहों से करते थे अभियुक्तगढ़ चोरी। रतलाम में बदमाशों के हौसले है बुलंद। युवती को बोरे में भरकर ले जा रहे थे किडनैप करके। सूचना पर पहुंची सैलाना पुलिस ने 4 आरोपियों में से 3 आरोपियों को कर दिया गिरफ्तार। युवती को परिजनों को कर दिया है सुपुर्द। पन्ना टाइगर रिजर्व के रिहायशी इलाकों में दिखा तेंदुआ, क्षेत्र में है दहशत का माहौल। वहीं सरपंच ने गांव में मुनादी कराई, साथ ही सर्चिंग में जुटा वन विभाग। बदायूं में अज्ञात वाहन ने युवक को मारी जोरदार टक्कर, युवक की इलाज के दौरान हुई मृत्यु। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। बदायूं में स्कूली बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे पेड़ से जा टकराई, ड्राइवर को आई हल्की फुल्की चोटें। हालांकि इस हादसे में किसी को नहीं हुई है कोई भी हताहत। कानपुर देहात के थाना अकबरपुर क्षेत्र अंतर्गत झांसी कानपुर हाईवे पर 2 डंपरों में जोरदार भिड़ंत, जिसमें 1 डंपर चालक और क्लीनर की हुई मृत्यु, जबकि 2 लोगों को पुलिस ने तत्काल अस्पताल में कराया भर्ती।